दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इंग्लिश नोवेलिस्ट जर्नलिस्ट डैनियल डिफो की एक नोवेल मॉल फ्लैंडर्स। ये नोवेल फेमस है दोस्तों, बहुत फेमस है, लेकिन डैनियल डिफो की एक नोवेल जिसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ, जिसकी वजह से इनको एज ए नोवेलिस्ट पहचान मिली थी दोस्तों, वो थी रॉबिन्सन क्रूसो, जिसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी जा करके देख लीजिए। आज की इस वीडियो में हम लोग मॉल फ्लैंडर्स को डिस्कस करेंगे। ये जो नोवेल है इसको 1722 में पब्लिश करवाया गया था और ये कहानी बेस्ड है एक रियल कैरेक्टर एलिजाबेथ एटकिंस की लाइफ पर। ये दोस्तों लंदन की एक क्रिमिनल थी और इनकी मुलाकात हुई थी डैनियल डिफो से न्यूगेट प्रिजन नाम की जगह पर। तब डैनियल डिफो को स्टोरी सुनाई थी इन्होंने अपनी, तो दोस्तों ये स्टोरी बनी, ये नोवेल बनी। ये नोवेल आपको बहुत सारे, आप में से बहुत सारे व्यूअर्स को अच्छी लगेगी, तो कईयों को अच्छी नहीं भी लगेगी, बहुत कंफ्यूजिंग लगेगी। शुरू करते हैं दोस्तों। ये स्टोरी 9 सेक्शंस में है, 9 सेक्शंस। हम लोग फर्स्ट वाले सेक्शन से शुरू करते हैं। मॉल फ्लैंडर्स अपनी कहानी सुना रही है। मॉल फ्लैंडर्स का जन्म हुआ था लंदन में न्यू गेट प्रिजन नाम की जगह पर। एक्चुअली ये एक जेल है, इसके अंदर जन्म हुआ था, तो इसकी ज़िंदगी की शुरुआत एक जेल से हुई। शुरुआती 3 साल इसने जिप्सीज के साथ गुजारे, जो यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं बंजारे टाइप के, उनके साथ में शुरुआती 3 साल इसने अपनी ज़िंदगी गुजारे। फिर ये स्कूल में गई, जिस स्कूल को एक वुमेन चलाती थी जिसको सब नर्स बोलते थे। तो मॉल वहाँ पर प्रॉपरली निडल वर्क सीख रही थी, मतलब वहाँ पर सिलाई वगैरह सीख रही थी, इसको निडल वर्क आ गया था, पढ़ रही थी। तो इसने डिसाइड किया, जब ये 8 साल की हुई तो इसने डिसाइड किया कि ये कभी सर्वेंट नहीं बनेगी बल्कि एक जेंटल वुमेन बनेगी। मतलब इस मॉल ने तय कर लिया था ये अपना निडल वर्क करके कमा के खाना चाहती है, लेकिन इसकी किस्मत में क्या लिखा हुआ था ये तो बाद में पता चलेगा। अब जब ये 14 साल की हुई तो उस नर्स की डेथ हो गई, तो एक पैसे वाली वुमेन थी, उस वुमेन ने मॉल को अपने पास रख लिया, उसके साथ ये रहने चली गई। उस वुमेन के 2 बेटे थे, बड़े वाले बेटे ने इस मॉल को कन्विंस करना शुरू कर दिया कि ये उसके साथ में सेक्स करे, और इससे वादा करने लगा कि इसको ये अपनी मिस्ट्रेस बनाएगा और बाद में इससे शादी भी करेगा। लेकिन छोटा वाला बेटा था रॉबिन, वो भी मॉल की तरफ अट्रैक्ट था, लेकिन वो मॉल से शादी करना चाहता था, वो मिस्ट्रेस नहीं बनाना चाहता था मॉल को अपनी, वो शादी करना चाहता था मॉल से। उसने बहुत ट्राई किया, फिर जब बड़े वाले बेटे ने कहा तो उसके कहने पर ही मॉल ने इससे शादी की। अब इसकी फैमिली भी रॉबिन और इसकी शादी करवाने के लिए राज़ी हो गई, और अगले 5 सालों तक रॉबिन और मॉल दोनों एक साथ रहे। रॉबिन से इसको 2 बच्चे भी हुए, फिर उसके बाद रॉबिन की डेथ हो जाती है। अब इसके बाद जो रॉबिन और मॉल के 2 बच्चे थे, उन दोनों बच्चों को तो रॉबिन के पेरेंट्स ने ले लिया, मतलब रॉबिन की फैमिली ने रख लिया, और मॉल इस वक्त तक अपना ज़्यादातर टाइम पार्टीज़ वगैरह में जाकर गुजारती थी, मतलब ये खुद को फ्री समझती थी। अब क्या होता है, मॉल की फिर से शादी हो जाती है, ये फिर से शादी कर लेती है, और इसका नया हस्बैंड एक कपड़े बेचने का काम करता था, थोड़ा अय्याश टाइप का आदमी भी था। इसके थोड़े टाइम बाद इसको अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि इसने अपने कर्जे नहीं चुकाए थे, मॉल के हस्बैंड ने, नए वाले हस्बैंड ने, जिसकी वजह से इसको अरेस्ट कर लिया गया। फिर इसने क्या किया, जेल से निकल कर ये फ्रांस भाग गया। अब मॉल ने क्या किया, अपना नाम रख लिया मिस फ्लैंडर्स, और इसने और इसके दोस्त ने मिलकर क्या किया, एक अफवाह मार्केट में उड़ाई कि इसके पास बहुत पैसा है और ये एक नया हस्बैंड ढूंढ रही है। अब जब इसको एक नया हस्बैंड मिलता है तो ये उसको बोलती है कि मेरे पास इतना पैसा वैसा है नहीं जितनी मार्केट में हवा उड़ी हुई है। तो इसका हस्बैंड भी बोलता है कि मेरे पास भी पैसा नहीं है, मतलब ये दोनों एक ही कंडीशन में हैं। अब इन दोनों के पास ही पैसा नहीं है तो ये अपनी ज़िंदगी को सरवाइव करने के लिए ये बोलता है कि मेरा वर्जीनिया में, यानी कि US के अंदर एक प्लांटेशन है, तो वहाँ रहने जाना पड़ेगा हमको। तो ठीक है, मॉल कहती है कि मैं चलती हूँ। मॉल जाती है उसके साथ में US वर्जीनिया, जहाँ पर उनके साथ में रहते रहते इसके 3 बच्चे होते हैं। लेकिन तभी मॉल को एक सच पता चलता है, इसके नए हस्बैंड की जो मदर थी वो एक्चुअली इसकी भी मदर थी। यानी अनफॉर्चुनेटली मॉल को पता चलता है कि इसका जो नया हस्बैंड है वो तो इसका हाफ ब्रदर निकला, और इसने अपने हस्बैंड को ये बात बताई तो वो बीमार पड़ गया, इसको फोर्स करने लगा कि मुझको छोड़कर चली जाओ।
मॉल भी ऐसे नहीं रह सकती थी, वो भी वापस लौटकर इंग्लैंड आ गई। अब लाइफ के इस पॉइंट पर ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म हो चुका था इसका, कुछ भी नहीं था इसके पास, ना पैसा था ना कुछ था। फिर ये एक और नए हस्बैंड की तलाश में निकलती है। अब मर्दों के साथ प्रॉब्लम ये थी कि उनको लड़की तो चाहिए थी लेकिन एक मिस्ट्रेस के रूप में, मतलब वो शादी नहीं करना चाहते थे। अब एक आदमी इसको मिलता है जिसकी वाइफ बीमार थी, तो उससे इसकी रिलेशनशिप शुरू हो जाती है। वो आदमी खुद भी बीमार हो जाता है, तो उस वक्त उसने मॉल को कुछ पैसे दिए थे, बदले में मॉल ने उसकी खूब सेवा की, उसको ठीक कर दिया। फिर मॉल उसके साथ में रहने लगी, रिलेशनशिप आगे बढ़ती गई, 6 साल के लिए मॉल उसकी मिस्ट्रेस बन गई। फिर उसके बाद वो बीमार पड़ गया और इनको रिलेशनशिप ख़त्म करनी पड़ी यहीं पर। अब इस वक्त तक मॉल अपनी अर्ली 40s में आ चुकी थी, कहने का मतलब 42 या 43 ईयर्स की हो चुकी थी, अच्छी खासी एज में पहुंच चुकी थी। फिर ये एक बार और शादी करती है जेमी नाम के लड़के से। अब जेमी और ये एक दूसरे से प्यार करते थे लेकिन बेचारों के पास में पैसा नहीं था। जेमी की एक लवर थी जो मॉल को टारगेट कर रही थी, लेकिन फिर क्या हुआ कि जेमी ने इसको छोड़ दिया और ये लंदन वापस आ गई। अब लंदन आने के बाद में तभी इसको पता चलता है कि ये प्रेग्नेंट है। तो इसका एक दोस्त था, बैंक में क्लर्क था, वो ट्राई कर रहा था कि मॉल उससे शादी कर ले। ये कर भी लेती है उस क्लर्क से शादी, फिर जिससे इसका एक बेबी होता है और ये 5 सालों तक ये खुशी से रहते हैं। लेकिन तभी वो क्लर्क अपना सारा पैसा खो देता है और दुख में मर जाता है। अब मॉल फिर से अपनी पहले वाली कंडीशन में आ जाती है, लेकिन अब क्या है, इसकी कंडीशन भी बुरी है और इसके 2 बच्चे भी इसके साथ में हैं। अब ज़िंदगी तो काटनी थी, तो ये क्या करती है, चोरियाँ करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे ये चोरी करने में एक्सपर्ट होती जाती है, बहुत जानी पहचानी चोर बन जाती है। ये जानती थी कि अगर ये किसी दिन पकड़ी गई तो इसको जेल हो सकती है, इवन एग्जीक्यूट भी किया जा सकता है, डेथ सेंटेंस सुनाया जा सकता है, लेकिन ये मैनेज करती रहती थी कि ये खुद को सेफ रख सके। अब अपनी आइडेंटिटी बदल बदल कर चोरी करती थी, अब एक आदमी से ये चोरी करती है, उसकी ही 1 साल के लिए मिस्ट्रेस बन जाती है। इस 1 साल के अंदर इसने चोरियाँ बंद कर दी थी, लेकिन जैसे ही उस आदमी से इसकी रिलेशनशिप ख़त्म हुई तो इसने चोरियाँ फिर से शुरू कर दी। अब इसके थोड़े टाइम बाद, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, इसको पकड़ लिया गया और न्यूगेट प्रिजन में डाल दिया गया। अब ये जेल में थी तो इसको पता चलता है कि जो जेमी था जिससे इसका कभी अफेयर था, वो भी अरेस्ट हो चुका है। पहले पहले तो इसको डेथ सेंटेंस सुनाया गया मॉल को, लेकिन बाद में इन दोनों को ही 5 साल तक सर्वेंट की तरह काम करना पड़ा, इसको और जेमी को। फिर इसके बाद मॉल की एक दोस्त ने इन दोनों को बाहर निकलवाया और ये दोनों दूसरा काम करने लगे। अब दोस्तों, इस नोवेल के फाइनल सेक्शन में ये अपनी लाइफ में दूसरी बार अमेरिका जाती है। अमेरिका जाने के बाद ये अपने एक बेटे से मिलती है, जो कि इसके भाई से इसको पैदा हुआ था, वो इससे मिलने आता है। ये अपने हाफ ब्रदर से तो मिलती नहीं है जिससे इसको बच्चे हुए थे। फिर इसके बाद जेमी और इसकी शादी हो जाती है और ये दोनों इंग्लैंड निकल जाते हैं। वे लगभग इसकी एज इस वक्त तक लगभग 70 साल के आसपास आ चुकी थी। लंदन आकर इन दोनों ने फैसला किया कि अब तक इन लोगों ने जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की हैं उन सबका ये पछतावा करेंगे। और दोस्तों, इसी के साथ ये नोवेल ख़त्म होती है।